नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि यह क्लास जलपहरी और बनारस के बालों के लिए ही है। ओनली क्या जलपहरी और बनारस के बालों के लिए, जो भी जलपहरी और बनारस तैयारी कर वही क्लास को देखेंगे, वो बाकी लोग क्लास को क्वाइट करके चले जाएंगे। ठीक है, मैं आपके लिए एमपीजी के क्वेश्चन कराने वाला हूँ सुबह 6 बजे। क्या सुबह 6 बजे आपके पास क्लास लाइव हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, क्लास को सुबह 6 बजे लाइव में देखना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, धुआंधार जलप्रपात नदी पर स्थित। आपको बताना जो धुआंधार जलप्रपात है किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है सोन, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है बेतवा, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है चंबल। तो धुआंधार जलप्रपात है किस नदी पर स्थित है, हमारे नर्मदा नदी पर। कहां पर, नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, उस शतरंज खिलाड़ी का नाम बताइए जो भोपाल के मूल निवासी और भारत देश के पहले ओलंपियड शतरंज पदक विजेता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन है, वो है रफीफ खान। कौन है, रफीफ खान, यानी ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो अपने दोस्तों के पास क्लास को जरूर शेयर करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा खजुराहो का निर्माण किया गया था। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा खजुराहो का निर्माण किया गया था। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है चंदेल वंश, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको चोल वंश, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको गुप्त वंश, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको मौर्य वंश। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा चंदेल वंश। जो खजुराहो का निर्माण है किसने करवाया था, ये करवाया था चंदेल वंश के राजाओं ने, खजुराहो का निर्माण कराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। आपको बताना है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का खिताब किस राज्य द्वारा जीता गया। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, महाराष्ट्र ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का खिताब जीता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मार्च 2019 में .. ने मध्य प्रदेश के सीहोर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान NIMHR की आधारशिला रखी है। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, सोचिए, इस क्वेश्चन का बिल्कुल जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शकुंतला डी गेमलिन ने क्या है, राष्ट्रीय मानसिक स्वस्थ पुनर्वास संस्थान जो जिसके सीहोर में क्या है, इसकी आधारशिला रखी हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कौन सी राज्य सरकार ने हाल ही में ई सरकार श्रेणी के तहत WSIS विजेता पुरस्कार 2020 जीता है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है बिहार। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मध्य प्रदेश की पहली मानव विकास रिपोर्ट वर्ष .. में विकसित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 1960, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 1955, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 2010, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 2008। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 1955 का की गई थी, 1955 में विकसित की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाली खाड़ी में बहती। आपको बताना है, आपको चार ऑप्शन में चार नदियां दे रखी हैं, वह कौन सी नदी है जो बंगाली खाड़ी में बहती है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है गंगा, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको तापी नदी, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है सतलज नदी। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंगा। जो गंगा नदी है बंगाली खाड़ी में क्या बहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मध्याह्न भोजन आपको बताना है, मध्याह्न भोजन मिड डे मील आपको बताना है, मध्याह्न भोजन मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है गुजरात। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, तो देश का पहला राज्य कौन सा बना है मध्याह्न भोजन वाला मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला, तो वह बना है हमारा मध्य प्रदेश। कौन सा बना है, मध्य प्रदेश बना हुआ। ठीक है, देश का क्या है, पहला राज्य बन गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मणिपुर संगाई महाउत्सव 2019 का संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है। तो यह किया गया इम्फाल में। कहाँ पर किया गया, इम्फाल में किया गया है। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवेदन भारतीय संशोधन
के 101 में संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था। आपको बताना जो हमारा 101वां संविधान संशोधन हुआ था इसमें कौन सा अधिनियम पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको नई खनन नीति, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है नीति आयोग, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको वस्तु एवं सेवा कर, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको नई शिक्षा नीति। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सी की गई थी, वस्तु एवं सेवा कर, मतलब इसको बोलते हैं जीएसटी। क्या बोलते हैं इसको? जीएसटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम जीएसटी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी में हिम तरंगिनी के लिए पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कमलेश्वर, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है मक्खनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है अमृत राय, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है भीष्म सायनी। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मक्खनलाल चतुर्वेदी को क्या है, हिम तरंगिनी के लिए पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान का उद्घाटन मध्य प्रदेश के भोपाल में केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने किया। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान निम्न के तहत स्वायत्त निकाय है। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मणिपुर संगाई महोत्सव 2019 का संस्करण कब आयोजित किया गया था। आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन कह रहा है जो मणिपुर में जो संगाई महोत्सव 2019 का संस्करण है कब आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 14 से 23 नवंबर 2019 तक, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 20 से 30 नवंबर 2019 तक, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 24 से 30 नवंबर 2019 तक, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 24 से 27 2019 तक। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कब से कब तक किया गया था? तो यह किया गया था 24 से 30 नवंबर 2019 तक किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ढक्कन क्षेत्र का हिस्सा नहीं। आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सी नदी वो जो ढक्कन क्षेत्र का हिस्सा नहीं। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है महानदी, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है क्षणा नदी, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है कोसी नदी। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोसी नदी है जो ढक्कन क्षेत्र का हिस्सा नहीं। क्या? ढक्कन क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और जापान के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? तो यह दी है 29 अक्टूबर 2020। अब देखिए 29 अक्टूबर 2020 में यह मंजूरी दी गई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री महिला कोष योजना की घोषणा की है। यह योजना निम्न को पेंशन की पेशकश करेंगी। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 50 से ऊपर की महिलाओं के लिए मेडिकल पेंशन, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 50 से ऊपर एकल महिलाओं को, ऑप्शन नंबर सी में कहा गया है 50 से ऊपर एकल बालिका की मां को, ऑप्शन नंबर डी में कहा गया 50 से ऊपर युद्ध में शहीद की विधवाओं को। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन मध्य प्रदेश से थे। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा भगत सिंह, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा सुभाष चंद्र बोस। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी चंद्रशेखर आजाद है, जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करते थे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मध्य प्रदेश के खेलो पुरस्कार के अंतर्गत जिसने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 जीता है उस व्यक्ति का नाम बताइए और किस खेल के लिए जीता है। आपको ये भी बताना है, आपको ऑप्शन दे रखा है। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसमें जीता है? तो इनाम उर रहमान ने हॉकी के क्षेत्र में यह खिताब जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में संगमर की चट्टाने स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है उज्जैन, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है इंदौर, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है जबलपुर, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है ग्वालियर। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? सही, इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या? जब मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में संगमर की चट्टाने स्थित है। दोस्तों, इस क्लास में मैंने आपको एमपीजीके के 20 क्वेश्चन कराए। क्या? एमपीजीके के 20 क्वेश्चन कराए। आप लोगों को बताना आपके 20 में से कितने सही निकले हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्लास पसंद आई। अगर क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करना है आपको, और अपने दोस्तों के पास भी क्लास को शेयर करना है, और आपको डे बाय डे आपको क्लास को देखना है। आपके लिए साथ ही अगर आप लोगों ने सारी क्लासों को अटेंड कर दी तो आप लोग पेपर में अच्छा स्कोर करोगे। तो हम मिलते हैं नई क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।